अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की हवा है, ठंडी ठंडी, थोड़ी थोड़ी गर्मी है। अभी हम बना रहे हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए हम लेंगे 1.25 लीटर दूध। पहले मैंने 1 लीटर दूध डाला और फिर मैंने 350 मिलीलीटर दूध डाला उसके अंदर। ज़्यादा इसलिए लिया ताकि अगर उबल जाए या गिर सकता है दूध तो हमारे पास दूध मौजूद हो 1 लीटर। हमने इसको बॉयल किया, बॉयल करते हुए हम चमचा भी चलाएँगे और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 1/2 कप या जितनी आपको पसंद है उसके हिसाब से आप चीनी लगा। फिर हम अलग एक बाउल में कस्टर्ड घोलेंगे दूध के साथ और 3 to 4 टेबलस्पून लेने के बाद हमने इसमें दूध डाल के इसको मिक्स किया। मिक्सचर को आहिस्ता आहिस्ता दूध में डालेंगे और उसकी थिकनेस को हम जितनी आपको थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप डालें और साथ में चलाते रहें ताकि उसमें गुठलियाँ ना बने। और डायरेक्ट अगर आप डाल दोगे और ज़्यादा भी हो सकता है दूध के लिहाज से तो ज़्यादा थिक हो सकता है और फिर आपको उसके लिए दूध ऐड करना पड़ेगा बॉयल करके और वो सब ख़राब हो जाएगा। फिर जब मैंने डाल दिया उसको थोड़ा चलाया तेज़ चूल्हे पे, फिर मैंने इस एक बॉल लिया जिसमें मैंने ठंडा पानी भरा और उसको उसमें रख दिया क्योंकि हमें रात में खाना था कस्टर्ड, सो मुझे जल्दी इसको ठंडा करना था तो मैंने इस तरह ठंडा किया इसको। अब हम बनाने वाले हैं जेली। जेली के लिए लेंगे 1.5 कप पानी, 2 कप होता है, मैंने 1.5 कप लिया ताकि थिक जेली बने। रफान की जेली मुझे यहाँ मिल गई थी, मैंने कुकिंग इंस्ट्रक्शंस उसकी फॉलो की और उस तरह से जेली बनाई। और मैं एंड में कस्टर्ड के ऊपर, मैंने कस्टर्ड की वीडियो फुल नहीं बना पाई, सुफियान जो है रोना स्टार्ट कर दिया था सुफियान ने, तो वीडियो रह गई। लेकिन मैंने इस केक डालने के बाद इस पर कस्टर्ड डाला और फिर उसके बाद इस पर फ्रूट्स की लेयर के साथ, जेली की लेयर के साथ इसको बनाया। बर्तन धुल गए? यस मैम साहब, बर्तन धुल गए। अच्छे से सफाई करो। चलो क्या कर रहे हो तुमने, बर्तन अभी तक नहीं धोए, ये सारे बर्तन क्यों पड़े हुए इधर? मैम साहब बस अभी क्लीन करो। मैं ये क्या हरकत है, तुम्हारी तनख्वाह काटूंगी अब मैं। 2 मिनट में कर दूंगा मैं, कह रहा हूं मैं आपसे। अब तुम्हारी तनख्वाह गई, प्रॉमिस करो। जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास, सोना भी है मुझे, तुम्हारे ड्रामे थोड़ी देखूंगी मैं। और एक भी बर्तन नहीं टूटना चाहिए बता रही हूँ मैं तुम्हें। तो काफ़ी देर हो गई है, मैं किंदा का बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ रूम में, बट अभी तक वो आई नहीं और सुफियान को भी काफ़ी नींद आ रही है, तो लेट्स सी कि किंदा क्या कर रही है इतनी देर से। और अभी हम चल के देखते हैं। चलो भाई किंदा, आप क्या कर रही हैं यार, इतनी देर हो गई, मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका। आई अंडरस्टैंड। तो ग्लव्स दिला देता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ये नहीं बोल रहे कि मैं तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ। हाथ बटा ता ता हाथ बटाता हूँ मैं यार, हाथ बटाता हूँ मैं, ठीक है बेटा, मैं डेली बटाऊंगा हाथ, ठीक है बेटा, मैं अच्छे से हाथ बटाऊंगा। भाई जैसे औरतें बाहर जाके काम करती हैं ना, मर्दों के सपोर्ट करती है, ऐसे मर्द भी घर आके बीवियों का सपोर्ट कर सकते हैं काम में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल शर्म की बात नहीं और सबको करना चाहिए जिस तरह मैं करता हूँ, किंजा का हाथ बटाता हूँ हर चीज के अंदर। ख्यालों में नहीं इन रियलिटी भी। किंजा प्लीज सबको सच बता दो कि मैं तुम्हारा हाथ बटाता हूँ कि नहीं। नहीं आज आज की दुनिया में जो है ना, बेसिकली क्या करना चाहिए इंसान को ना, अपनी बेगम का हाथ बटाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ बेगम का ही फर्ज नहीं है कि वो बर्तन धोए, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बच्चों के पैंपर चेंज करे, कचरा फेंके, यू नो राइट किंजा, है ना। तो इसलिए आप सबको चाहिए कि प्लीज अपनी जो बेगमात है उनका ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।